कब्र शरीफ पर उलमाए सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है और नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला दामज़िल्लाहु अली और आपके उस्ताज़े गिरामी और मेरे चचा कह लें या रूहानी ताऊ कह लें हज़रत हाफिज़ क़ारी असरार अहमद साहब क़िबला दामज़िल्लाहु अली। हाँ, ये फैसला तो आप करेंगे, बस मैंने तो दोनों को ही बुजुर्ग पाया है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हजरत ने सिर्फ दो शेर पढ़े, इनके दो शेर इनके सौ शेरों पर भारी थे। उसकी वजह यह है कि ये जो तराशा हुआ हीरा है ना, वो इसी जौहरी का है। ये हजरत की मेहनतों का एक फल है, नतीजा है, जो ये आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यकीनन आपकी नज़रों में ये बात बहुत आम होगी और छोटी होगी कि ये कारी साहब तो हमारे गांव के हैं, लेकिन सच बता दूं, ये गांव के नहीं, अगर जंगल के भी होते ना तो सारे प्रधान मिलके ना एक कुरान के कारी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाँ, सोच भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते। सोचें जरा, बस एक बात से अंदाजा लगा लें। हमें सबको रब की बारगाह में अपना हिसाब देना है। रब पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजारी, तो कोई कहेगा खेत में, कोई कहेगा कचहरी में, कोई कहेगा थाने में, कोई कहेगा इधर की उधर लगाने में, कोई कहेगा चौराहों पर बातें मिलाने में। बताओ कितना मुश्किल समा होगा जब ये बताया जाएगा जिंदगी कहाँ गुजारी। हम इनके मुकद्दर पे कुर्बान न जाएं, इनसे भी पूछा जाएगा जिंदगी कहाँ गुजारी, कहेंगे मौला बचपन पढ़ने में गुजारा, जवानी पढ़ाने में गुजारा। कितना आसान काम हो जाएगा और कितनी बड़ी बात है जिसकी जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजरी हो। हम कभी कभार मस्जिद में जाते हैं तो कितना फख्र करते हैं कि आ मैं मस्जिद में आया था। होता है कि नहीं? जुमे के दिन जाते हैं, फिर ठिकाने थोड़े ही आस्तीन यहाँ होती है, सिर्फ जुम्मे जुम्मे को जा रहा आस्तीन यहाँ, और यूं जाके सबसे पहले घड़ी देखेगा, फिर इमाम का मुंह देखेगा। हजरत अगर इमाम खुतबा पढ़ रहा है ना तो देख के ऐसे घूरेगा, तीन मिनट ज्यादा हो गया। सोचे जरा, हम दस मिनट के लिए मस्जिद में गए, हमारे तेवर देखिए, गए जाके घूरा इमाम को, और ठिकाने नहीं है जमींदारों के हमारे यहाँ। अगर कोई जमींदार मस्जिद में आए ना तो लोग, अगर कोई गरीब बैठा होता है, चल बे चल उठ यहाँ आओ, प्रधान आओ, आओ हाजी साहब आओ, ऐसा लग रहा है ये सिर्फ हज करके नहीं मुस्तफा की जियारत करके आ रहे हैं। गरीब को हटाया जाता है, शिकायत है ना, बारिश नहीं हो रही, तकलीफ है ना, जमीन सूखी है, और तुम इतने प्यासे नहीं जितने परिंदे प्यासे, तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं जितना दरख्तों को तकलीफ है। तुम्हें क्या लगता है वो खालिक हकीकी नहीं जानता? वो सब जानता है, लेकिन पहले हमें अपने गरीबान में झांकना होगा, पहले अपने गरीबान में झांकना होगा। वो तो इतना करीम है, सत्तर माओ से ज्यादा बंदे से प्यार करता है, और बंदा एक बार मचल दे तो माँ खूने जिगर दे देती है। फिर क्या हुआ, महीनों बीत गए रोते रोते, बारिश का कतरा नहीं आया। उसकी रहमत में कमी नहीं, हमारे अपने अमाल में कमी है। सुनना मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया, मैं कुछ सच्ची बातें आपसे करने आया हूँ। अंदाजे बयां मेरा बहुत शोक नहीं है, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमने मस्जिद में गए, जाके घूर के देखा इमाम को, सबसे पहले देखा प्रधान आए, जगह खाली करो, जगह खाली कराई गई। आइए आइए, क्या ये कहानियां मस्जिदों की नहीं है? कितनी जगहों पे पंखे को लेके गोलियां चली, कितनी जगहों पे मस्जिदों के अंदर पंखे चलाने को लेके सर फूट गए। क्या कौम को यही दिन देखने थे, मस्जिदों के अंदर पंखों के लिए सर फोड़ने थे हमें? अरे मस्जिद कौन सी जगह थी, अगर कोई बादशाह भी आके बैठ जाए, मेरे हुजूर ने कलमा दिया था, सारे इख्तलाफात खत्म किए थे, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, काले का फर्क मिटाया, छोटे बड़े का फर्क मिटाया, सारे फर्कों को मिटाने के बाद नमाज पांच वक्त की अदा फर्ज की गई थी। अगर ये फर्ज की गई थी तो घर पे भी अदा करने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें मस्जिदों में बुलाया गया। पूछना चाहता हूँ किस लिए, क्या तुम्हारा लिबास देखने के लिए बुलाया गया, या तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बुलाया गया? नहीं, खुदा ने पांच वक्त में मस्जिद में बुलाया ताकि एक मोहल्ले के लोग पांच वक्त एक मस्जिद में आओ और एक जगह खड़े होकर के अपने दिलों को बुख्ज़ो इनाद निकालो, एक दूसरे को बगल में
खड़ा करो, एक दूसरे की मिजाज पुरसी करो, एक दूसरे को बराबरी का एहसास दिलाओ। लेकिन तुमने क्या किया, मस्जिद में आने के बाद गरीब को उठाया, अमीर को आगे बढ़ाया। तुझे पता नहीं है कि मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, खुदा का घर है। और इसका मामला तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तुमने क्या किया, हमने इख्तलाफात किए, हमने झगड़े किए। हालात देखो, खुदा के वास्ते प्रधान हो जमींदार हो, मस्जिद में जाया कर, तो बन के ना जाया कर, खुदा का बंदा बन के जाया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदा बन के जाया। हाँ, घड़ी देख रहे बैठे बैठे इमाम साहब, जुमा पढ़ाइए। मौत आ गई तुझे, छह छह घंटे टीवी के आगे पड़ा रहता तब कुछ नहीं, 5 मिनट मस्जिद के मुश्किल लगते। मेरे भाई जरा सुन प्यारे, कान खोल के सुन। तुम आए मस्जिद में, तुमने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई और जल्दी से उठा बैठी लगा करके आस्तीन चढ़ाते हुए निकले। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता, इससे पूछो तो सही, ये मुझे राजी करने आया था या मुझे अपनी ताकत दिखाने आया था? ये मुझे राजी करने के लिए आया था या अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए आया था? अगर इसके दिमाग में घमंड है तो फरिश्तों इससे कह दो कि ये अपने घमंड का सरिया गर्दन से निकाल दे, वरना एक दिन मैं इसको बिस्तर पर लटा करके इतना रुलाऊंगा सारी दुनिया मिल करके इसकी आंख के आंसू साफ नहीं कर सकती है। अगर खुदा से डरते हो तो मस्जिदों में अकड़ के न जाया करो, झुक के जाया करो। खुदा की कसम, तेरे मेरे रब की साथ तो वो है, जो बंदा नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है, जो उससे मांगा करता है वो उससे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज्जमी हुजूर सैयदना आसिमिया साहिब क़िबला खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रद्दी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आज तुम्हारी और मेरी खुशनसीबी है, महफिलें रोज होती हैं, जलसे रोज समझते, लेकिन बता के हर जलसे में हुजूर का बेटा मेहमान खुसूसी बनता है। आज तुम्हारे मेरे नसीब की बात नहीं कि बातें भी हुजूर की हैं, आशिक भी हुजूर के हैं, और जो मेहमान खुसूसी है वो बेटा भी हुजूर का है। हाथ नीचे रखो हुजूर को, तुम्हारे हाथों की कोई जरूरत नहीं, उनके नाम पे मर मिटने के लिए तो पत्थर ही काफी है। हाँ, अगर तकलीफ है तो कोई ना बोले, बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी जात तुम्हारी हमारी महफिल में है, बहुत बड़ी जात। तुम्हें पता है, कमेटी वाले बेटो जरा बात सुनो तवज्जो के साथ। आपने इतने बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलाया और साथ में हुजूर के बेटे को बुलाया। अल्लाह कयामत में जब आज के रात के बारे में पूछेगा ना, रात कहाँ गुजारी, तो हम कहेंगे मालिक दुनिया सो रही थी, तेरे महबूब की बातें हम कर रहे थे। कोई गवाह है तो हम तो आला हजरत के उसूल पे अमल करेंगे ना, दामन इनका पकड़ेंगे, कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये कितने नसीब की बात है, ऐसी जात आज हमारे बीच है। कसम खुदा की, अगर अल्लाह महफिल कबूल कर ले, इनके कदमों की आमद कबूल कर ले, तो हजारों सैकड़ों दुआओं की जरूरत नहीं है, बारिश के लिए इनके कदम ही काफी हो जाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी जात, जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, तवज्जो है आपकी, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं बोले। ये वो इलाका है जिसे मुरादाबाद का इलाका कहा जाता है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन मैं जानता हूं। इस इलाके का नाम लेते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं, और आज सोशल मीडिया के जरिए जब तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे बिला वजह में ही नाम लेते थे। हाँ, तो जिस इलाके में रहते हो जैसे लोग हो वैसी आवाज निकलनी चाहिए, जरा कहें या रसूल अल्लाह, अभी नहीं निकली ऐसी आवाज, आपसे ज्यादा बिहार के 10 लोग निकाल देते। हाँ, अभी भी मालदा से चल के आया हूं मैं, कल 4 बजे का चला था और अब पहुंचा हूं कल सुबह 4 बजे का फजर का। तो कम से कम इतनी जोर से नबी को पुकारें कि आपकी आवाज से मेरी थकन उतर जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने दिल से मुस्तफा को पुकारा है, अल्लाह आज की रात के सदके मुस्तफा का मदीना दिखा दे। माशाल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं मां मुनाजिर साहब, आपकी बस्ती के, आप ही की बस्ती है ना, शायद आपकी मान लेते हो। हाँ नहीं, माशाल्लाह आपकी खूब मानी कारी साहब, आपके शेर बहुत अच्छे सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपके गांव वालों, कम से कम किसी से तो प्यार करते हैं ना, किसी से तो प्यार करते। कमेटी वाले सारे बच्चे इधर ही बैठे, जरा कमेटी वालों आप कहना या रसूल अल्लाह।
नहीं माशाल्लाह आप जितनी छोटी कमेटी आवाज उतनी छोटी रह गई। हाँ नहीं हजरत बच्चे ही तो आवाज निकालते, मर्जी आपकी कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आपके अंदर थोड़ी बेदारी रहे। कोई सो तो नहीं रहा करवट में? देखो अगर देख लो एक बार, अगर कोई सो रहा हो तो उठाना मत। ना हजरत मैं नहीं उठवाता, इसलिए हुजूर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई जलसे में सोता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाते हैं। हाँ फिर ऐसी महफिलों में नींद आए तो मुस्तफा ही तशरीफ लाएंगे, शैतान का तो काम ही कोई नींद आने का। हाँ तो उठाना मत किसी को भी, बस उसके कान पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बस तवज्जो करें, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, बहुत गौर से सुनना ये बहुत काम आने वाली बात है, जिसने मेरी औलाद से, आप बोलें तो मैं बोलूंगा, जिसने मेरी औलाद से, अल्लाह सलामत रखे, और जोर से, जिसने मेरी औलाद से या उसकी खिदमत की या उसको राजी किया या उसकी खिदमत में नजर पेश की, हुजूर फरमाते मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। नसीब की बात नहीं है वो यार, जिनसे मुसाफे करने के लिए लोगों की जूतियां टूट जाती हैं, चक्कर लगाते लगाते वो चल के हमारी महफिल का मेहमान बना, ये कितने बड़े नसीब की बात है। आज मैं एक बात कहता हूं हजरत, मैं साफ बात कह दूं, मेरा अपना मिजाज है, मैं सिर्फ उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है, बस मेरा अपना मेयार है। मैं उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को, आप मानते हैं आला हजरत नहीं, और नहीं मानते तो उठ के चले जाओ, आला हजरत वाले चाहिए चाहे चार ही बैठे होने चाहिए, और सब आला हजरत वाले तो जरा बोले या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग प्रधान बने बैठे हैं ऐसे, हाथ नहीं निकालना, मत निकालो तुम्हारी मर्जी है, आज नहीं निकालोगे कल तो निकालोगे बेटे, कल निकालोगे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो हम तो पीर भी उन्हें मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अगर कोई ये कहे मैं सैयद हूं और वो आला हजरत को ना माने ना, तो फिर हम कहते हैं चल फिर अपनी सियादत का सिक्का कहीं और चला। हमारा अपना अकीदा ये है कि सैयदों का तारुफ आला हजरत ने कराया है और आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया है, ये दोनों बातें कह रहा हूं। आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया, आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा चल मारेरा शरीफ, आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। हाँ सैयदों का फख्र है आला हजरत, समझ रहे हैं आप, और आला हजरत का नाज है सादात इकराम, तभी तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, हाँ बोल बाले मेरी सरकारों के। आज मिजाज ही अलग हो गए जनाब जी, मैं आपसे गुजारिश करके जाऊं, अगर कोई सुन्नी सही अकीदा हो और वो कहे मैं सैयद हूं ना, तो फिर शजरा ना मांगना, तुम शजरा मत मांगना। कुछ लोग हैं जो आला हजरत के नाम का नारा भी लगाते हैं और आला हजरत के इस फतवे के खिलाफ भी करते हैं, और सिर्फ हजरत ये चाचा साहब ये सिर्फ दुकानें चमकाने के रास्ते रह गए। हाँ जहां किसी का सिक्का नहीं चलता वो शजरे मांगने लगता है, और यार आला हजरत ये कहते हैं अगर कोई सैयद ना भी हो और तुझसे कहता मैं सैयद हूं, तुझ पे लाजिम है तो उसको सैयद तस्लीम कर, उसका एहतराम कर, लेकिन आज मिजाज उल्टे हो गए, लोगों के नंबर नहीं आते तो अगर कोई कहता मैं सैयद हूं तो कहते हैं लाओ जी कोई और तो कमी नहीं, इससे कहो शजरा दिखा, शजरा कहाँ है, तू नहीं जानता है आज तू शजरा मांग रहा है, हाँ तुझे कहानी सुनाऊं, बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ पक्षियां भी थी, अल्लाह अकबर तशरीफ लाई वो हिजरत करने के बाद, जब दूसरे शहर में पहुंची है बच्चों में फाके होने लगे, घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था, वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है, अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है, अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था, जैसे नए शहर में आई हैं, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आरामगाह भी नहीं है, किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है, अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी,
अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है, बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेले की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती, इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं। आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब, शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा इतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल, तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, जरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक रात की मोहलत मांगी थी इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता कि बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी, ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है, सैयदजादी ने कहा चाचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे कोना दे दिया जाए जिस पर मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी। बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेकर बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पर कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज सजदे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूं, सवाल ना कर, गर्दन झुका दे, अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत हम लोग सजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर। अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना, तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। तेरा मेरा लगा ही क्या है दीन पे, बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है।
नहीं जानते। खुदा की कसम मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब कर्बला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक, मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई थी हुसैन, कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वही वही कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए? शर्म नहीं आती? आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ, सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस माँ से पूछ कि उस माँ ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के लाके रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम सलाम कर हुसैन की सकीना को। 3 दिन की प्यास थी। हाँ, शामे गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उर की बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था, फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया पानी का प्याला, हजरत जैनब ने कहा था, बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते, ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई, फूफी ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था, फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर ये कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया, आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मुहम्मद। तुम्हें क्या पता क्या लगा है दीन के लिए इनका? हाँ, सलाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है जहरा के लाल। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर। गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती है, बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए? मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ न सवाल किया, मेरे हुसैन ने फरमाया, पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था, हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा, कैसे पता चला? कहा, माएं बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात? माएं बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पर सर रख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भोंके, उसे भी निकाल देना। और ऐसा बंदा आए जो नबी के अली को भोंके, उसे भी निकाल देना। कह देना, हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डरे किसी का? अपने ईमान का सौदा। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कोई भी आए। हाँ, हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला होगा। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था, मैं इसके नबी का कलमा पढ़ती हूँ,
लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल, तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया, वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया, मालूम है बच्चों से कहा खाना तैयार करो, बाजार गया, नए बर्तन लेके आया, नए बर्तन, नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे, कहने लगा सैयदजादी सुना गए ईसाइयों को, अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना, कहने लगा बेटी हुजूर की है। जी, कहकर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, भीड़ से मतलब नहीं, जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी, सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हुजूर ने हाथ रखा। और सुनो प्यारे गौर से, इधर सैयदजादी सोई है, सुबह का सवेरा हुआ है, जैसी सुबह का सवेरा हुआ, सुबह ही दरवाजे पे वही कलमा पढ़ने वाला जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दे के भगाया था दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, दरवाजा बजा रहा है, अंदर से आवाज आती कौन कहा दरवाजा खोलो, जैसी दरवाजा खोला गया यही जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दिया था, क्या बात है, कहा कि जो तुम्हारे घर मेहमान है मैं उसे बुलाने के लिए आया हूँ। कहा किस लिए बुलाने आए हो, कहा हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है उसने कहा अब लेने आया है, कहा हाँ, कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा, कि मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सोच, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, कहना क्या चाहता है, कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता अब क्यों आया है, कहा अजीब मामला हो गया, कहा क्या हुआ, कहा मैंने ख्वाब देखा है, कहा कौन सा ख्वाब, कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब मैदान कयामत में जमा है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोजखी दोजख की तरफ जा रहे हैं, कहा मैं भी उधर चला जिधर जन्नती जा रहे थे, मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहा है, मैंने कहा जन्नत की तरफ, फरिश्ते कहने लगे जन्नत हुजूर के गुलामों की है, मैंने कहा मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ, फरिश्ते कहने लगे दिखा तेरे पास सनद कहाँ है, तू अगर हुजूर का गुलाम है तो सनद कहाँ है। उसने कहा सनद कहाँ से लाऊं, कहा सुन कल तेरे दरवाजे पे हुजूर की बेटी आई थी, तूने उससे सनद मांगी थी, अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, वाह भाई वाह, या अली जिंदाबाद, 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 अल्लाह हू अकबर। तवज्जो है, चलें थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं तो तकरीर नहीं, फिर नमाज ही जनाजा पढ़ लो। तवज्जो है जरा, कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह बड़ी देर में इन लोगों में गरमाई आई है। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई तो फिर गरमाई कब आए। हाँ बस सुने, जब उसने कहा ना कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे, तो कहने लगा सुन, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नजारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफा के नजारे थे। हाँ, कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम, जब इतना करम किया कि घर तक आए हो तो इतना करम और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बना लो। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो
अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो, अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन लेना, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी हो, आज हजरत दुआ करेंगे, इतना बड़ा मजमा अमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुत दस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए, हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब के बुलाए, इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन। मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो, अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुमसे गुजारिश है नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊं, कमेटी वालों कर दूं एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा हजरत, तो कई बार लोग ना बीच में ताना जनी करते, कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं, कोई कहता ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं, हो ये चलें साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है, आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है इसलिए पकड़ा जाता है, अगर वो मुड़ के पीछे ना देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना ये है, तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना, अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों का फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता, अगर लोगों के चुमलों की फिक्र की होती तो आज हमारे तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते, तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो, जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा, मैदान अश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा ना करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है, ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं वही जाने, बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है, जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोले बारिशें रोक दी जाती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है, समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो रब भी नहीं बख्शता।
और वो सबसे मुश्किल गुनाह है हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, सुने बेटे गौर से सुने बात, इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके दिल में किसी की तरफ से जरा सी भी रंजिश या कीना या हसद या तकलीफ ना हो, तो यकीनन 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे, 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे जिसके दिल में किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। आज इतने बड़े मजमे में हम बैठे, हर बंदा किसी ना किसी तरफ से कोई तकलीफ लिए बैठा है। मशीयत तो ये कहती है, तू मस्जिद में अगर किसी का इनाद दिल में लेके आता है तो फिर मैं तेरे सजदे भी कबूल नहीं करता। हम जरा सोचें, और अकेला बंदा हर अपने बारे में सोचे, मैं इस चीज का आदी नहीं हूं मैं तुमसे हाथ उठवाऊं, कौन माफ करेगा वो हाथ उठाए, कौन नाराज है वो हाथ उठाए, बस मैं इतना जानता हूं जनाब सिर्फ अपना मुहासिबा करो, अपने गरीबान में झांक के देखो, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी रिश्तेदार को घर से तो नहीं उठाया है, किसी रिश्तेदार के खिलाफ मैंने फोन पर बकवास तो नहीं की है। हर बंदा अपने बारे में सोचे, वो यार बहुत दूर क्यों जाते हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। हर बंदा सोचे, मैंने बाप के खिलाफ तो कोई जुमला नहीं बोला है, बाप सोचे मेरे बेटे की तरफ से दिल में कोई रंजिश तो नहीं है, फिर ये दोनों मिलकर के सोचे मेरी बेटी मुझसे तकलीफ में तो नहीं है। हाँ हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से झांक के देखोगे कभी कभी छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आया करती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। आज हालात बदलते जा रहे हैं, खुदा की कसम अक्सर बेटियां परेशान हैं अपने घर वालों से, अक्सर बेटियों के दिमाग खराब हैं कि वो जाएं तो कहां जाएं। और तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर खुदा ने तुम्हें शोहर बनाया है तो अपने आप को शद्दाद ना समझना, अपने आप को हमान ना समझना, अपने आप को कारून ना समझना। अगर तुम्हें रिजालो कवामूना अलन निसा का खिताब दिया गया है तो अपने आप को तज्जाल मत समझ लेना, खैरियत नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया, बिना वजह अगर तुमने किसी को सताया, एक बात कान खोल करके सुन लेना, हर घर के अंदर किसी की बेटी मौजूद है, किसी की बीवी मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है। फरमाया गया है जिस घर के अंदर कोई औरत रोया करती है उस घर से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं, उससे रहमतें नाराज हो जाया करती हैं। आज हर घर की कहानी है, कहीं पे बेटी रो रही है, कहीं पे माँ रो रही है, कहीं पे बीवी रो रही है। अगर हुजूर से इश्क किया है तो रिश्ते ऐसे निभा के जाओ, ऐसे निभा के जाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ जनाजे पे लेट के जा रहा है, बल्कि ऐसे जिंदगी गुजार के जा अगर जनाजा तेरा उठे, लोग रोए तो जरूर लेकिन मैं दुआ करके ना रोए, ये सोच के रोए ये जा रहा है। आज के बाद मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद मेरे कमों को कौन सुनेगा, मेरी तकलीफें कम कौन करेगा, जब किसी के जनाजे के साथ लोग अच्छी बातें करते हैं। रब फरमाता फरिश्ते बताओ तो सही, इस जनाजे के साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जबानों पे क्या था, कहते मालिक को इसकी तारीफ कर रहे हैं, का बताओ लेकिन था कैसा, का गुनाह बहुत किए हैं। रब फरमाता हाँ हाँ गुनाह किए हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, का किसी ने कहा ये गरीबों को खिलाता था, कोई कहता रिश्तेदारों के हक में बेहतर था, कोई कहता गांव वालों को शिकायत ना थी, कोई कहता जिससे मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, कोई कहता किसी को कोई तकलीफ ना थी। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर गांव वाले इसे अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसे अपनी रहमत से याद अच्छा बना दे रहा हूं। हाँ जब जन्नत बांटने की बारी आ गई, जब जन्नत बांटने की बारी आती चौराहे पे खड़े होकर आस्तीन उठा के ऐसा लगता है जैसे कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और खुदा के बंदे किसी को कहने से पहले अपने आप को सोच, अपने आप को सोच, सुने मेरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूं उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो भाई का बहन का फोन है और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजाम करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है। उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को,
मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कहां से होगी बारिश, जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मर्तबा घर गई हूं, एक माँ की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई हूं। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, दुनिया में सबके अपने होते हैं, 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। वो भाई मैं क्या जवाब देता उसे, मैंने कहा बाप नहीं, उसने कहा है, कहा भाई का भाई भी है, मैंने कहा गरीब है, कहा नहीं जमींदार है, मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा मैं नहीं जानता, और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा, उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था, जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो, तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, कि आज हर घर का झगड़ा नहीं है, बात बात में कहते तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो, ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है, बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद घर आया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो तर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। ओ भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ ना समझना, ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई, बाप बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता, एक दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए, कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो और कहते हो मौज आ रही है, बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटर में मौज आ रही है, और शर्मानी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो बेटा एसी में लेटा हो, और शर्मकार अपने बाप को गर्मी में न लेटा बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा, मर के कब्र में आएगा, कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है, वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर, उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा, बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो, जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम कम दे देना पैसा लेकिन मजदूरी करा लो।
अल्लाह अकबर कहती मेरे बाप ने मजदूरी की पाला, लेकिन बाप कब तक पालता। एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया। वो बुला के कहने लगा, सुन मैं जा रहा हूँ, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था, बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती अभी 40 वही हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रह, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की छोटी से झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माँ किसके दरवाजे जाएंगे। उसने कहा मैं बच्चों को लेके बाप की कब्र पे आई और मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं। इसे छोटा गुनाह मत समझना। मेरे हुजूर ने मिंबर पे बैठ के एक दिन कहा था, फरमाया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, उठने के बाद अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, हुजूर की दुश्मन थी खाला, हुजूर की मुखालफत करती थी खाला। गया खाला के दरवाजे पे और जाके कहने लगा खाला मुझे माफ कर दे। उसने कहा आज अचानक मेरे दरवाजे पे, तू तो जब से तूने कलमा पढ़ा मेरे दरवाजे पे नहीं आया, आज क्या करने आया है। उसने कहा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मेरा महबूब नाराज रहेगा। खातून कहने लगी कौन है तेरा महबूब। कहा कि जिसको तू गाली देती वो मेरा महबूब है। कहा क्या कहना चाहता है। कहा उसी महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूं, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल में ना बैठे। कहा खाला अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं उसकी महफिल में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कहा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने नाराज से मुराद कलमा पढ़ने वाले नाराज। कहा नहीं, उसने मजहब की कैद नहीं लगाई है, उसने मिल्लत की कैद नहीं लगाई है। कहा फिर कहा है अगर तू नाराज तो वो भी नाराज है। उसने कहा फिर सुन ये फैसला यहाँ नहीं होगा। कहा कहाँ होगा। कहा वहाँ चल जहाँ तेरा महबूब बैठा है, मुझे भी लेके चल। खातून वहाँ आई है जहाँ मुस्तफा जलवगर है, आका के सामने आके खड़ी हुई। मेरे आका करीम ने देखा खातून की आंख में आंसू है। मुस्तफा अपनी जगह छोड़ते हैं, दरवाजे पे आए, फरमाते बता क्या बात है। खातून कहती है महबूब अब देर ना कर, हाथ बड़ा कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। आका फरमाते इतनी जल्दी किस लिए, ये कैसे हो गया, अब तक तो गाली बक रही थी अब कलमे की तौफीक। उसने कहा तुमने कहा है जिससे अपने नाराज हो उससे मोहम्मद भी नाराज है। कहा ये भत्ती भांजा मेरा दरवाजे पे आया, जब इसने मुझसे माफी मांगी है और मुझे बताया कि तू तब तक नाराज है जब तक मैं इससे नाराज हूं, तो मैं समझ गई जो जमीन पर हमें अपनों से दूर नहीं होने देता वो हमको आखिरत में जन्नत से दूर कैसे होने दे सकता। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों बारिश चाहते हो तो बेटियों को राजी करो, बारिश चाहते हो तो अपनों को राजी करो, रहमतें चाहते हो रब की तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। और जवानों तुमसे गुजारिश है ईद का दिन आए ना, ईद का दिन आए दुनिया नए कपड़े पहन के मेले में जाएगी, लेकिन तुम अगर हुजूर के गुलाम होना तो रकात नमाज पढ़ के ना ईद के दिन सीधे बहन के दरवाजे पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। आज नहीं लगता ये इस्लाम जो आज हमारे सामने लोगों के जिस्मों से नजर आता है ना, ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है। आज बेटियां क्या जहेज के नाम पर नहीं मर रही, और भी मसाइल हैं साहिब समाज के, और मसाइल पे गुफ्तगू करो, और भी बहसें हैं उन्हें आपस में एक दूसरे से बैठ के तबादला ख्याल करो। कब तक एक दूसरे की टांग खींचती रहेगी, कोई अच्छा करे तो उसकी भी खैर नहीं, हाँ गलत तो गलत है ही। खुदा के वास्ते जो जरूरी मसाइल है उन पे बैठ के डिस्कस करो, इन मसाइल का कैसे हमारे समाज से इनको दूर किया जा सकता है। बेटियां आज भी रो रही हैं, आज भी बेटियां फांसी लगा रही हैं,
आज भी बेटियां मर रही हैं, आज भी बाप जहर खा रहा है, आज भी बाप, अभी कुछ दिन पहले एक बाप ने दो मासूम बच्चियों को और एक बीवी को गोली मारने के बाद खुद फांसी लगा ली। हजारों जनाजे में आए थे, लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है जनाजे में, देखो तो सही चार चार जनाजे एक साथ उठ रखे हैं। मैं कहता हूँ खैरत आनी चाहिए जनाजे में आने वालों को। आज तुम कांधा देने तो आ गए, कैमरे के आगे खड़े हो गए, लो हम कांधा देने आए हैं। क्या अच्छा होता अगर जिंदगी में इनके दस्तरखान पर एक एक रोटी का पैसा पहुंचा दिया होता, आज चार जनाजे एक साथ एक कांधे पे नहीं उठाए जाते। बेशक बेशक बेशक, तकलीफ होती है। ये कौम मैयत के बाद रोटी देने तो पूछ जाती है, इस कौम को जब बीमार भूखा होता है तब उसकी भूख नजर क्यों नहीं आती? बताओ मुझे, तुम्हें गरीब नवाज का लंगर तो याद है, तुम्हें यतीम की भूख याद नहीं? तुम्हें गौस की बिरयानी तो याद है, तुम्हें बेवा के दस्तरखान पे रखी हुई सूखी रोटियां क्यों दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आज दुनिया बारिश मांग रही है, हम हकदार हैं बारिश के? हम पे तो पत्थर गिरे होते अगर मदीने में आमिना का लाल जलवा गर ना होता। ये सच्ची कहानी है, अगर हुजूर ना होते हम तो जीने के भी हकदार नहीं थे, नहीं थे जीने के हकदार। आज बंदा मर जाता है गरीब तो कफन के चंदे कर लेते हो, अगर गरीब बीमारी में पड़ा होता है उसकी दवा के लिए चंदा नहीं होता? क्यों नहीं होता उसकी दवा के लिए चंदा? तकलीफ होती है। एक साहब ने बताया, मैंने 5 लाख फलान लामा के फंड में डाले, काय के ज़कात के। मैंने कहा तेरे गांव में कोई बेवा ना थी, कोई यतीम नहीं थी? गर्दन झुक गई, कहने लगा साहब वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसे देने वालों हजारों थे, उसे देने वाले तो लाखों थे, क्या ही अच्छा होता तूने 4 लाख उसके फंड में डाले, 5 लाख उसके ट्रस्ट में जमा किए, इसलिए ताकि रिश्ता तेरी मौलवी से मजबूत हो जाए, ताकि ताल्लुकात तेरे मौलवी से अच्छे हो जाए। उन 5 लाख को 10 जगह बांटता और हर बेवा को 50-50 हजार देता। मैं नहीं जानता कि तेरे 4 लाख देने से मौलवी कितना राजी हुआ है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर 50-50 हजार हर बेवा के घर पहुंचा देता, खुदा की कसम गुंबदे खज़रा वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। मसलके आला हजरत फैजाने मुअज्जमी हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। हां, ये हमारे बहुत अच्छा नहीं है, हम अपनों को कुत्ते से बुरा समझते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए हाथ जोड़े फिर रहा। तुम जरूर आना मुखिया, तुम ना आए तो दस्तरखान पर रौनक नहीं आएगी। ये तेरे लिए मुखिया है, दुनिया को खिला, खुदा की कसम अगर तेरा अपना दस्तरखान से दूर है ना, खुदा की कसम दुनिया चर्चे कर लेगी लेकिन हुजूर मजार में तकलीफ महसूस करेंगे। अगर चाहता है दुनिया चर्चे करे ना करे, कयामत में तेरे चर्चे हो तो अमीर को मना या ना मना, रूठे हुए सगे भाई को मना के दस्तरखान पे ले आ। हाँ, वो अमीर था ना अमेरिका में, कैंसर हो गया उसको, ब्लड कैंसर, बड़ा परेशान, सारे डॉक्टरों ने कह दिया मौत के सिवा कोई चारा नहीं, किसी अल्लाह वाले से जा मिला। उसने कहा सच बता घर कब से नहीं गया? उसने कहा 21 साल हो गए वतन छोड़े हुए, अभी नहीं गया। कितनी दौलत कमाई का कोई हिसाब नहीं। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है घर चला जा। कहा क्यों? कहा घर जाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना खिला। अल्लाह अकबर आया, उसने 1 महीने तक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, भाइयों को, सारे खानदान वालों को खिलाया। 40 दिन के बाद जैसी उसने टेस्ट कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम बाकी था। तुम नहीं जानते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं, सोच भी नहीं सकते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं। अपनों की दुआएं लिया करो, अपने भी नसीब से मिला करते, नसीब से अपने मिला करते। हाँ, ये भाई जो है ना भाई, ये तेरी जायदाद का बंटवारा करने वाला नहीं, ये तेरे बाजू का जोर है, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। पक्के हुसैनी बैठे ना सारे यहाँ पे, जितने हुसैनी वही हाथ उठा के बताएं और सारे कहते हैं या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह अभी तक जाग रहे। बस ये बात मैंने एक बात समझाने के लिए छेड़ी है, क्या तुम्हारे गाँव में मुसलमानों के मुसलमानों पर मुकदमे नहीं होते, झगड़े नहीं होते, खूब होते हैं?
और याद रख प्यारे, इतनी जल्दी लाठी ना निकाला करो, इसलिए कि तुम जिनको मारते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं, तुम्ही को जनाजे उठाने हैं और तुम्ही को तीजे तस्वे करने हैं। अलग से कौम नहीं आएगी, लेकिन तुम जानते हो, तुमने अपने का गरीबान पकड़ा, जेल में डाल दिया, कचहरी में जाके देखो भाई भाई, एक इस तख्त पर बैठा वकील के, दूसरा उस तख्त पर बैठा, दोनों की कहानी यह है। ये अपने वकील से कह रहा है ऐसी दफा लगाना जो 10-20 साल के लिए अंदर चला जाए, वो दूसरा भाई सामने बैठ के कह रहा ऐसी लगाना जो 15 साल तक ये दुनिया ना देख पाए। और जालिमो, तुम अपने अपने मन की भड़ास निकाल रखे हो, बता कल दोनों के जेल में जाने के बाद जब ये बच्चे यतीमों की तरह फिरेंगे, इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए कौन आएगा? बताना कौन से नबी का कलमा पढ़ा है तूने, मुझे भी समझा। तुम्हें लगता है एक जलसा जन्नत बांट देगा? मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, मेरा अपना उसूल है, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौन आएगा बचाने के लिए इन बच्चों को? अच्छा लगता है हमारे बच्चे यतीमों की तरह गलियों में चक्कर लगाएं, बाप के होते हुए लावारिस घूमे? शर्म आनी चाहिए अपने भाई को फंसा के कुर्सी पर टांग रख के कह रहा मुझसे बैल ने चला था, होश नहीं है तुझे? पूछ इन उलमा से, मेरे हुसैन ने 71 लाशें करबला में उठाई थी, कितनी? सारे बोले कितनी? 71 लाशें उठाई, लेकिन 70 लाशें उठाई तो कमर तक हाथ नहीं गया, लेकिन जब गाजी अब्बास की आवाज आई थी, अदरिकनी या हुसैन, मेरे हुसैन मुझे संभालो, जवाब को लगा मेरा गाजी शहीद हो रहा है, मेरे हुसैन ने कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। तू जानता है भाई क्या है? 18 साल के बेटे की लाश उठा के कमर नहीं पकड़ी, 6 साल के असगर को उठाया कमर नहीं पकड़ी, औनो मोहम्मद को लाए कमर नहीं पकड़ी, लेकिन जब गाजी अब्बास की लाश उठाई कहते हैं आज मेरी कमर टूट गई। भाई शरीक नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता है। अगर ये मर गए ना, खुदा की कसम प्यार से लालच में भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इसके जाने के बाद तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो ये आज के बाद झगड़े। रह गई बात इंच भर जमीन की, तो जा किसी पे कम ज्यादा है, मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे, कल खुदा तुझे मुस्तफा की खुशी के लिए माफ कर दे, वरना मुझे नहीं आता जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हाँ अल्लाह करीम है, हम तो ये जानते हैं वो अगर गुनाहों का बदला हमसे लेने लगे, हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं, हाँ हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं, हम उसको बदला उसको हिसाब देने के कहाँ हकदार हैं, हाँ हमारी तो बस की बात नहीं हम एक सांस का हिसाब दे सके जो हमने उसकी तौफीक से ली है। वो बड़ा करीम है, अगर वो चाहेगा महबूब के जुल्फों के सदके में बारिश कर देगा, हाँ हुजूर के नस्ल के सदके में अल्लाह बारिश फरमाएगा। वो करीम है, उसकी अपनी मर्जी है, जब चाहे बारिश कर दे, जब चाहे सूखा कर दे, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह मेरे रब का करम जरूर बरसेगा। हाँ आला हजरत ने कहा था भीगे सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बन के रहमत की घटा छाए तुम्हारे गेसुए। हाँ तो बस अल्लाह करीम महबूब के जुल्फों के सदके में बारिश अता फरमा दे। नौजवानों कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, कम से कम कमेटी वाले और बस्ती वालों रिश्तेदारों की रजा मंदी का ख्याल रखना है, खास करके बहन बेटी के रिश्ते का ख्याल करना है, माँ बाप के रिश्ते का ख्याल करना है, और अपने बड़ों का अदब करना है, अपने बड़ों का अदब करना है। और खबरदार खबरदार अगर कोई सुन्नी सही अकीदा ये कहे मैं सैयद ज्यादा हूँ, तो बस गर्दन झुका के तस्लीम कर लेना है। हाँ बस हमारे दरवाजे पे अगर कोई बंदा आ जाता ना, मिजाज बड़े कड़वे हो गए हम लोगों के, दरवाजे पे कोई बंदा आ जाता तो कहते ओ देखो इतना हट्टा खट्टा होके भीख मांग रहा है, हाँ हम उसकी मैार नापने लगते हैं, मैार ना नाप
तेरे दरवाजे पे हुजूर फरमाते हैं अगर तेरे दरवाजे पे कोई घोड़े पे बैठकर भी आए ना तो फरमाते हैं अगर तुझसे कुछ मांगे तो दे दे। उस वक्त के घोड़े पे बैठना आज के फॉर्च्यूनर में बैठने के बराबर था। हाँ फरमाया कर तेरे दरवाजे पे घोड़े पे बैठकर भी कोई सवाल ही आए तो खाली मत लौटा। वह मसाइला फला तनहर महबूब तेरे दरवाजे पे कोई भी आए खाली मत लौटाना और किसी को खाली ना लौटाना ये महबूब की सुन्नत है। दरवाजे पर बहन आए दरवाजा बंद मत करना, बेटी आए मना मत करना। रिश्तेदारों में आदत होती है कोई बीमार हो जाए फोन पहले बंद कर लेते हैं कहीं पैसों के लिए फोन ना मार दें। इसलिए खुदा के वास्ते बहन बेटी को देने से कभी कम कभी कम कभी कम नहीं होता है। अगर बहनों को जरूरत हो ना तो दिल खोल के दिया करो। अल्लाह बहनों के सदके में 70 गुना ज्यादा अता फरमा दिया करता है 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। वातसिमु बिहब्लिल्लाह की जमीआ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये कमेटी ये जलसा ये बस्ती के लोग जिंदाबाद पाइंदाबाद वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।